दुर्गेश भाई, सबसे पहले तो आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे इतना बड़ा ओहदा दिया अपनी हम तुम टिप्स फैमिली से मिलने का। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दुर्गेश और स्वागत है आपका हम तुम टिप्स चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बहुत ही कमाल के आप लोगों को जानकारी मिलेगी, क्योंकि दोस्तों हमारे इस चैनल पर आए हुए हैं सुमित भाई, जिनके पास है 13,000 की ऑडियंस, यानी उससे भी ज्यादा उनके पास ऑडियंस है। तो फ्रेंड्स, उसके चैनल को अगर आप चाहते हो देखना तो नीचे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा उनका लिंक। तो फ्रेंड्स, जाकर उनके चैनल को विजिट कर लेना। पर दोस्तों, उससे पहले आप इस वीडियो को पूरा देखना और सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर लो, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही आपके लिए यूजफुल है। क्योंकि मैं करने वाला हूँ सुमित भाई से कुछ 5 अमेजिंग क्वेश्चन, और उस क्वेश्चन का देंगे वो हमारे पास जवाब, जो आपके लिए हो सकता है यूजफुल। तो फ्रेंड्स, चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मिलना चाहिए आप लोगों को सुमित भाई से। दुर्गेश भाई, सबसे पहले तो आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे इतना बड़ा ओहदा दिया अपनी हम तुम टिप्स फैमिली से मिलने का, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग नए हो चैनल के ऊपर तो सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरा चैनल भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया हम तुम टिप्स भाई ने। तो सुमित भाई, सबसे पहले आपसे मेरा ये फर्स्ट क्वेश्चन आपसे ये होने वाला है कि सुमित भाई, आप एक यूट्यूबर हो यार, जो कि अभी आप मतलब बहुत ही हम लोगों से थोड़ा सा आगे निकल चुके हो। तो यार, सबसे पहले कि आप एक स्टूडेंट भी हो, आप बॉक्सिंग में भी काम कर चुके हो, मतलब करते भी हो अभी, और यूट्यूब पे भी रेगुलर वीडियो आप डाल देते हो, तो यार इतना टाइम की मैनेजिंग आप कैसे रखते हो? तो भाई, पहले क्वेश्चन का आंसर है कुछ इस प्रकार कि मैं हर टाइम में अपने स्पोर्ट्स की तरफ भी ध्यान देता हूँ, पढ़ाई की तरफ भी, यूट्यूब पे भी और घर के काम में भी। तो वो कैसे टाइम मैनेज होता है? तो भाई, वो आपके माइंड पे डिपेंड करता है कि यार टाइम कितना स्पेंड कर रहे हो आप। फेसबुक चलाने में पूरा टाइम निकाल देते हो, या व्हाट्सएप पे चैट करने में निकाल देते हो, या कुछ और काम करते हो। मेरे को खाली टाइम मिलता है, मैं वीडियो शूट कर लेता हूँ। जैसे 20 मिनट का कोई खाली टाइम मिला तो उसके अंदर 2 वीडियो शूट करके रख ली आने वाले टाइम में कभी भी अपलोड करने के लिए। तो ऐसे टाइम मैनेज होता रहता है, घर के काम होते रहते, स्पोर्ट्स का काम, सब कुछ ऐसे चलता रहता है। तो सुमित भाई, सेकंड क्वेश्चन आपसे मेरा ये है कि यार देखो, हमें मतलब किसी भी इंसान को अगर कोई वो तरक्की कर रहा है तो उसके पीछे किसी ना किसी का हाथ होता है। तो यार, मैं ये नहीं पूछने वाला हूँ कि आप कौन से यूट्यूबर से मतलब मोटिवेट हो गए, आपने यहाँ पे ये किया वो किया, क्योंकि मुझे सब पता है कि सब कोई मतलब कोई ना कोई यूट्यूबर जो उनका फेवरेट होता है उनका नाम बता देते हैं। तो यार, मैं यहाँ पे ये पूछने वाला हूँ ना, जो मेरे साथ घटना घटी मैं वही पूछूंगा कि यार देखो, आपके दोस्तों का आपके यूट्यूब चैनल के पीछे कितना हाथ रहा है, ये मैं जानना चाहता हूँ। क्योंकि यार दोस्त जो होते हैं ना, दोस्तों में ये सोशल मीडिया वगैरह की दुनिया बसी होती है, मुझे पता है, क्योंकि मेरे साथ ये खुद घटना घटता है। तो यार, ये अपने दोस्तों के बारे में क्या कहना चाहोगे कि उनका कितना हाथ है आपके चैनल के पीछे? तो भाई, मेरे दोस्तों का इतना सा भी हाथ नहीं है मेरे चैनल को आगे बढ़ाने के लिए। वो क्यों? क्योंकि मैं बताऊं मेरे दोस्तों का, आज मैं बताता हूं कि भाई मैंने यूट्यूब चैनल बना रखा है, वो बोलेंगे रहने दे, यूट्यूब छोड़ दे, कुछ नहीं होगा यूट्यूब से, बेवजह टाइम वेस्ट कर। लेकिन भाई, उनको मालूम नहीं, अंदाजा नहीं यूट्यूब की पावर का, उनको पता नहीं आने वाले टाइम में यूट्यूब क्या से क्या होने वाला है। तो चलो यार सुमित भैया, आपके पास चाहे जो भी बात हो और आपके फ्रेंड्स आप बेशक आपको सपोर्ट ना किए भाई, बट मैं ये बता दूं कि यार मेरे जो फ्रेंड है ना यार, वो मेरे फ्रेंड बहुत ही जिगरी है यार, मतलब उन्होंने क्या नहीं किया मेरे लिए। अगर मेरा ये यूट्यूब चैनल, यानी कि यूट्यूब चैनल ये मेरा जो फ़ोन स्टैंड यहाँ पे खड़ा हुआ है ना, ये कैमरा स्टैंड के भी पैसे उन लोगों ने ही पे किए यार। तो आप यदि खुद समझ सकते हो, जिसपे फ़ोन अड़ा है तो चैनल तो उसी पे है। तो चलो यार, नेक्स्ट क्वेश्चन सुमित भाई आपसे मेरा ये होने वाला है, सभी यूट्यूबर मतलब जिनके पास यार ज़्यादा ऑडियंस होती है ना, सभी यूट्यूबर आप खुद सोचते हो मतलब जिनके पास बहुत ज़्यादा ऑडियंस होती है, मतलब उनको एक प्रॉब्लम होती है कि यार वो अपने फ़ोन नंबर शेयर नहीं करते हैं। हालांकि मैंने भी शेयर नहीं किया था, बट दोस्तों मेरे कुछ फ्रेंड है कि मैंने उनको शेयर किया है। तो आप इनके बारे में क्या कहना चाहते हो कि जिनके पास मतलब ज़्यादा ऑडियंस हो जाती है, आपके पास भी वैसे हो चुकी है, तो नंबर शेयर करने में क्या क्या प्रॉब्लम होती है, आप जरा इसके बारे में बताइए। क्योंकि ये सबको होती है, अगर थोड़ा सा भी ऑडियंस आता है तो उनके मन में थोड़ा मतलब वो आ जाता है, ईगो आ जाती है कि नहीं यार नंबर नहीं देना किसी को। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हो? तो भाई, तीसरे क्वेश्चन का आंसर कुछ इस प्रकार, भाई आप खुद एक यूट्यूब क्रिएटर हो, आपको खुद पता होना चाहिए कि नंबर शेयर करने पर कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। भाई मैं अपना नंबर किसी को शेयर करता हूँ, अच्छी बात है, वो मेरे से कॉन्टैक्ट में रहता है, बातें करता रहता है, जैसे कि आप। और भाई बहुत सारे ऐसे क्रिएटर हैं जिनको मैंने नंबर दिया, जो कि न्यू क्रिएटर थे, कि इनकी मदद है, लेकिन वो बेवजह कॉल करते, भाई कैसा है, ऐसा है, काम कर लिया, वो कर लिया, वीडियो आए कब आएगी। भाई ऐसे ऐसे क्वेश्चंस, भाई परेशान हो जाता है बंदा भी, और कोई काम लगा जब भी कॉल आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे सुमित भाई ये है कि जितने भी हमारी ऑडियंस देख रही है ना, उनके पास ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आती है कि उनको एक्चुअली होता क्या है कि वो जब यूट्यूब पे वीडियो डालने के लिए चैनल बना लेते हैं तो उनको प्रॉब्लम्स ये फेस करनी होती है कि उनके पास कंटेंट नहीं होता है, कंटेंट उनको मिलता ही नहीं है कि हम किस वीडियो पे कंटेंट डालें। तो मैंने इस पे एक वीडियो बनाई भी थी, शायद उन्होंने ना देखी हो, तो आप बताओ, क्योंकि आप थोड़ा सीनियर हो, आपके पास इतने ऑडियंस है, तो आप कुछ बता दो ताकि आप भी कुछ बात से सहमत हो जाए हमारी ऑडियंस। चौथा क्वेश्चन का आंसर इस प्रकार,
तो भाई देखिए, कंटेंट मिलेगा आपको यूट्यूब से। यूट्यूब पे क्या चल रहा है वही कंटेंट है। यूट्यूब पे आज के टाइम में ट्रेंड क्या है, लोग क्या देखना चाह रहे हैं, कंटेंट आपको यूट्यूब से मिलेगा। यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में से मिलेगा, बड़े बड़े क्रिएटर्स के कमेंट सेक्शन है कि लोग क्या पूछ रहे हैं, प्रॉब्लम क्या है, आप उसकी वीडियो बना दो तो आपका कंटेंट रेडी। और कंटेंट की कमी नहीं भाई यूट्यूब पे, लोग तो वैसे ही मुंह फुला लेते कि कंटेंट नहीं मिल रहा। भाई कंटेंट बहुत ज़्यादा है, वीडियोज़ बनाने वाले लोग नहीं मिल रहे। तो जो 5 क्वेश्चन है ना, ये सुमित भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये एक हर स्टूडेंट वाले जो यूट्यूबर हैं, यानी कि मैं बोलना चाहता हूँ यार कि जो 19 में जो भी भाई यूट्यूबर बना है ना, जैसे मैं, आप और वगैरह वगैरह जो भी, मतलब बहुत सारे हैं, तो यार उनका एक प्रॉब्लम बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो एक स्टूडेंट है और स्टूडेंट के साथ साथ यानी यूट्यूब पे जो वीडियो डालते हैं तो उनको बहुत सारी प्रॉब्लम का फेस करना होता है। जैसे उनका स्टडी में लॉस होती है या फिर फैमिली से डांट मिलता है। वैसे तो मैं फैमिली में अभी नहीं हूँ तो फ्री हूँ, तो यार ऐसा कैसे, मतलब बहुत सारे प्रॉब्लम होता है कि फैमिली से डांट पड़ना, पढ़ाई में लॉस होना, कभी एग्जाम देने गया तो यार थोड़ा मार्क्स कम आ गया क्योंकि मैं यूट्यूब पे ज़्यादा ध्यान दे रहा था, वगैरह वगैरह बातें होती है। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हो, क्योंकि आप तो एक यूट्यूबर भी हो, बॉक्सिंग में भी काम करते हो और स्टडी भी करते हो, तो यार आपको क्या क्या लॉस हुआ इसके बारे में, मतलब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। 5वें क्वेश्चन का, भाई मेरे को यूट्यूब से लॉस हुआ है, घर वालों की डांट भी सुननी पड़ी और स्टडी में बहुत ज़्यादा लॉस हुआ, पढ़ने का मन नहीं करता था और पढ़ा नहीं, तो ये। और दोस्तों ही बात रही भाई, बाहर घूमने के लिए नहीं जाता, खेलने के लिए नहीं जाता, क्योंकि जो टाइम मिलता है वो यूट्यूब में बिता देता हूँ। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी आपसे उसे मुझे जानना है, मेरे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी मीठी मीठी कुछ कुछ बातों को जरूर बताना। तो चलिए आज की वीडियो में इतना, मिलता है अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम एंड हैप्पी मदर्स डे टू ऑल। तो भाई थैंक यू सो मच दुर्गेश भाई, आपने मुझे यहाँ तक आने का मौका दिया और चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया ना आप लोगों ने, तो कर लेना।